प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बेनिफिशियरी स्टेटस में। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और गेट डाटा पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको दो चीज नोट करनी है। पहली चीज तो ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का स्टेटस है वो वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आधार कार्ड का स्टेटस वेरीफाइड है। दूसरी चीज आपको नोट करनी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल नंबर के पीछे के चार अक्षर आ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने होगी। इसके बाद वापस आपको होम पेज पर आना है और इस बार आपको क्लिक करना है ई केवाईसी पर। सबसे ऊपर लिखा हुआ देखिए फार्मर कॉर्नर के नीचे ई केवाईसी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो अभी हमने देखा था, यहाँ पर अभी हमने देखा था, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ई केवाईसी इज सक्सेसफुली सबमिटेड, इसका मतलब हमारी ई केवाईसी हो चुकी है। बस दोस्तों यही सब प्रोसेस, छोटा सा काम था और मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपको ये करने में। और एक चीज बता दूं यहाँ पर कि आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो पहले आप रजिस्टर करवा लीजिए, उसके बाद ही ई केवाईसी करें। और एक चीज और लास्ट में कि बिना ई केवाईसी के आपके 2000 रुपए की किस्त नहीं आएगी, ठीक है। तो फटाफट अपनी ई केवाईसी कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।